सोशल मीडिया पर महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, जीएसटी, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर लगातार आलोचनाओं से घिरी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान की 3 नगर निकाय सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बेहद ही निराशाजनक रहे। कांग्रेस ने इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। कांग्रेस को जयपुर के वार्ड नंबर 76 और टोंक के मालपुरा नगर निकाय सीट पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को सीकर के लोसल नगर निकाय सीट पर जीत मिली। जयपुर सीट पर हुआ मुकाबला तो लगभग एक तरफा रहा। यहां कांग्रेस के इकरामुद्दीन ने बीजेपी के अशोक अग्रवाल को करीब 5,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जयपुर की वार्ड नंबर 76 सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी के निधन के कारण खाली हुई थी। मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस का पड़ला हमेशा से भारी रहा। उपचुनाव में वार्ड के करीब 26,000 वोटरों में से करीब 10,000 ने वोट डाला। कम मतदान होने के बाद बीजेपी जीत के वादे कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार को करीब 5,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। सीकर की लोस्तल नगर पालिका वार्ड नंबर 24 से बीजेपी के मदन लाल 117 वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस के संतोष कुमार को परास्त किया। वहीं टोंक के मालपुर नगर पालिका उपचुनाव में कांग्रेस की मनीषा जैन ने महज 24 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के रिंकू जैन को धूल चटाई। बताया जा रहा है कि यह चुनाव परिणाम कांग्रेस की शहर कार्यकारिणी के लिए संजीवनी का काम करेगा। वहीं बीजेपी भीतरघात और जयपुर शहर के नेताओं के अधिक दिलचस्पी नहीं लेने से बुरी तरह पराजित हुई है।